हेलो एंड वेलकम टू जागरण हाईटेक। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत सारे गैजेट्स और काफ़ी तेज़ दर्रार गाड़ियाँ भी। ऐसी एक गाड़ी आज हमारे पास है, इसका नाम है Audi A5 Sportback। बट इससे पहले हम आपको बताएं कि क्या है इस गाड़ी में खास, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भारत में कुछ चुनिंदा गाड़ियां ही हैं, स्पेशली लग्जरी सेगमेंट में, जो आपको फ्रेमलेस डोर्स ऑफर करती हैं। Audi A5 Sportback उनमें से एक है और ये फ्रेमलेस डोर्स जो हैं इस गाड़ी की ब्यूटी और भी एनहांस करते हैं अपार्ट फ्रॉम इट्स कूपे लाइक अपीयरेंस। अगर ओवरऑल डिज़ाइन की बात की जाए तो Audi A5 Sportback में आपको एक कूपे डिज़ाइन देखने को मिलता है। इस डिज़ाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको एक बहुत ही कम कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको एक हायर फ्यूल एफिशिएंसी भी ऑफर करती है। एंड फिलहाल अगर बात की जाए तो देखने में ये गाड़ी का कोई जवाब ही नहीं। Audi A5 भारत में तीन वेरिएंट्स में दी गई है और जो हम वेरिएंट चला रहे हैं वो A5 Sportback है। इसकी खामी सिर्फ ये है कि इसमें आपको Audi का ट्रेडमार्क क्वाट्रो यानी कि ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। इसमें Audi ने सिर्फ एक फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम ऑफर किया है, हालांकि अगर आप S5 लेंगे तो उसमें आपको क्वाट्रो देखने को मिलेगा। इंटीरियर्स की अगर बात करें तो Audi A5 Sportback में आपको काफ़ी बेहतरीन फिट एंड फिनिश देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है, जर्मन इंजीनियरिंग और प्रिसिजन की अगर बात की जाए तो उससे उमदा चीज़ कोई भी देखने को नहीं मिलती ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, और वैसा ही कुछ देखने को मिलता है आपको A5 Sportback में। थोड़ा सा आपको याद आएगा Audi Q7 का इंटीरियर, क्योंकि थोड़ा बहुत वैसा ही दिखता है। एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छी हैं, हैप्टिक फीडबैक भी देता है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। साथ ही साथ A5 Sportback में आपको एप्पल कारप्ले सिस्टम भी मिलता है, जिसकी बदौलत आप निश्चिंत हो के गाड़ी चला सकते हैं और अपने फ़ोन को बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ Audi का वर्चुअल कॉकपिट भी देखने को मिलता है, जिसमें काफ़ी खूबसूरत डिस्प्लेज दिए गए हैं। आप व्यूज़ भी स्विच कर सकते हैं इसमें, आपको अगर बड़े स्पीडोमीटर डायल्स या RPM डायल्स चाहिए हों या छोटे चाहिए हों और आपको बड़ा मैप देखना हो इसमें, या फिर गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको। तो ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो काफ़ी बेहतरीन जगह है ये बैठने के लिए, ड्राइव करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि ड्राइवर को और को पैसेंजर को काफ़ी मज़ा आएगा इस गाड़ी में, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ भागती भी है, लोअर टू द रोड भी है और ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका इतना खास नहीं है। रियर सीट की अगर बात की जाए तो तीन लोगों के लिए स्पेस तो नहीं है, बट दो लोग आराम से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। नी रूम भी काफ़ी बहतरीन मिलता है। फॉर रेफरेंस, मेरी हाइट 5'7" है, मैंने ड्राइविंग पोजीशन जो है अपने मुताबिक बैठाई है, तो मुझे काफ़ी सारा नी रूम मिलता है। थाई सपोर्ट भी काफ़ी बेहतरीन है, सीट्स भी काफ़ी प्लश और कुशी हैं, लीन एंगल भी काफ़ी बेहतरीन है। बट हेड रूम की अगर बात की जाए तो कूपे डिज़ाइन होने के कारण इतना हेड रूम नहीं मिलता, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी हाइट 5'7" है, तो मेरे लिए हेडरूम जस्ट अबाउट ओके है। बट अगर कोई लंबा आदमी इस गाड़ी के पीछे बैठेगा तो उसको शायद ये गाड़ी थोड़ी सी क्लॉस्ट्रोफोबिक दिख सकती है। कंफर्ट वाइज सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट भी दिया जाता है, उसके अंदर आपको कप होल्डर्स भी मिलते हैं एंड Audi का 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी ऑफर किया जाता है। तो आगे के 2 zones डिफरेंट हैं और पीछे आप अपने मुताबिक AC का कम्फर्ट या टेम्परेचर जो है सेट कर सकते हैं। तो कम्फर्ट वाइज काफ़ी बेहतरीन है पीछे से भी Audi A5 Sportback। बूट स्पेस की अगर बात करें तो Audi A5 Sportback में ढेर सारा बूट स्पेस देखने को मिलता है, साथ ही साथ टेल गेट भी काफ़ी ऊंचा है, तो चीज़ें अंदर डालने में और बाहर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड अगर इसकी सीट्स
आप गिरा दें तो आराम से एक गद्दा भी डाल सकते हैं, इतना बूट स्पेस ऑफर करती है A5 Sportback। और साथ ही साथ सहूलियत का भी ध्यान रखा है, आपको मैन्युअली टेलगेट बंद करने की कोई जरूरत नहीं, एक बटन दबाएं एंड गाड़ी ये काम अपने आप खुद ब खुद करती है। तो प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए या फिर कन्वीनियंस की बात की जाए तो Audi ने पूरा ध्यान रखा है इस बात का आपके लिए ऑन द A5 Sportback। भारत में Audi A5 Sportback आपको एक डीजल इंजन के साथ ही मिलती है और ये प्रोड्यूस करता है तकरीबन 190 हॉर्स पावर और साथ ही साथ आपको ऑफर करता है अराउंड 400 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क, जो कि काफ़ी बेहतरीन है अपने सेगमेंट की गाड़ियों के मुकाबले। एंड पंच जो है इस गाड़ी का काफ़ी ज़बरदस्त है और कॉर्नरिंग वाइज भी काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। इतना ज़्यादा ओवरस्टीयर या अंडरस्टीयर देखने को नहीं मिला है हमें Audi A5 Sportback पे, जो कि एक अच्छी चीज़ है इसकी। और थोड़ी बहुत जो खामियां हैं इस गाड़ी की वो ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस वाइज ये इतनी मजबूत नहीं है, और अगर चार बंदे इसमें बैठे हों तो जाहिर सी बात है इंडिया की सड़कें इतनी खूबसूरत हैं कि अंडर बॉडी इस गाड़ी की हर बार लगने की संभावना होती है। और एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी बहुत पसंद नहीं आई इस गाड़ी में वो आई इसके लो प्रोफाइल टायर्स। भारत के लिए Audi को थोड़े से हाई प्रोफाइल टायर्स देने चाहिए थे, एटलीस्ट 50 पार्ट के हाई प्रोफाइल टायर्स देने चाहिए थे, इसमें 40 पार्ट के हाई प्रोफाइल टायर्स हैं और इसके कारण अंदर का NVH लेवल जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। ज़्यादातर Audi गाड़ियों में देखने को मिलते हैं ड्राइव सिलेक्ट मोड्स, वैसा ही कुछ A5 में भी देखने को मिलता है। इसमें भी Audi ने चार ड्राइव सिलेक्ट मोड्स दिए हैं, एक कंफर्ट है, एक ऑटो है, एक डायनेमिक है और एक इंडिविजुअल है। कंफर्ट में ये गाड़ी आपको एक काफ़ी सॉफ्टर सस्पेंशन देती है और सिटी ड्राइविंग के लिए काफ़ी बेहतरीन है। ऑटो में ये खुद अडाप्ट करती है आपके ड्राइविंग रिस्पॉन्स या आपकी ड्राइविंग स्टाइल के मुताबिक, और डायनेमिक में ये काफ़ी स्पोर्टी फील देती है आपको। इसका जो ट्रांसमिशन है वो भी स्पोर्ट्स में चला जाता है, और इंडिविजुअल आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कैसी सस्पेंशन या फिर कैसी इंजन पावर चाहते हैं आप Audi A5 Sportback से। तो ड्रैग कोफिशिएंट कम होने के कारण Audi A5 Sportback काफ़ी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी भी देती है। हमारी कुछ 200 किलोमीटर की तकरीबन 200 किलोमीटर की टेस्टिंग के दौरान, जिसमें हमने सिटी में भी चलाई, हाईवे पे भी ये गाड़ी चलाई, इसने हमें 14.5 किलोमीटर प्रति लीटर ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी दी, जो स्पेशली इस कैटेगरी ऑफ कार्स में काफ़ी बेहतरीन यू नो फिगर्स हैं। तो ओवरऑल कैसी लगी हमें Audi की A5 Sportback? वेल, ये एक काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है अपने दाम के चलते भी। एक कूपे डिज़ाइन ऑफर करती है, एक आई कैचर भी है रोड पे, और भागती भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ओवरऑल ऑन जागरण हाईटेक हमें ये गाड़ी काफ़ी पसंद आई, बट ये गाड़ी हम उन्हें नहीं रेकमेंड करेंगे जो अपनी पहली लग्जरी गाड़ी खरीदने वाले हैं, ये हम उन्हें रेकमेंड करेंगे जो ऑलरेडी Audi A4 या A6 चला रहे हों और अब थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड करते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग परफॉर्मेंस अपनी गाड़ी से। उनके लिए Audi A5 Sportback जो है काफ़ी बेहतरीन विकल्प रह सकता है।